आज भाइयों की जनसंख्या कम क्यों हो गई 26 जनवरी? अच्छा अच्छा ठीक आ गया यार आई हाँ प्रजा के मित्र प्रजा का राज्य है लेकिन राजा ही वो आज अरेंजमेंट में बने हुए हाँ हाँ 26 जनवरी जो स्वतंत्रता दिवस है वो भी तो मनाना जरूरी है लेकिन है इधर जिस कर दिया उनको ये पता नहीं है कि ये राजा भी जो अल्पकाल की प्रजा के ऊपर प्रजा की राजाई है वो भी देने वाला कौन है? है वो भी देने वाला बाप है, बाप के बगैर वो राजाई भी मिलने वाली नहीं है। और भगवान वो टीवी ने बता रहे हैं, टीवी ने बता रहे कि ऐसा एक कनेक्शन लगा के एक पूर्व जन्म का बता रहे हैं, वो भी पूरा हिस्ट्री हम ये जन्म लिए थे मुकामुक थे उसका प्रूफ प्रूफ हम देखे हैं क्लियर। क्या प्रूफ देखे हैं? दो क्या प्रूफ बताना शुरू करो। न्यूज़ बताओ साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ नहीं, प्रूफ तो प्रूफ होता है। देखने के बाद वो ऐसा कनेक्शन लगा कि वो रिसर्च करने जा रहे थे ये जन्म का, उनको पता मशीन के द्वारा पता लगा रहे हैं उनको कि ये जन्म में हम सब थे ऐसा ऐसा पद था। लेकिन पता लगाते लगाते पूरे चक्कर को क्रॉस कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं कर पा रहे वो ये जन्म का पता है। तो ये तो बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। ये जो मनोवैज्ञानिक है वो मनोवैज्ञानिक भी ये पता लगा लेते हैं, जो तांत्रिक शक्तियां हैं वो भूत प्रेत प्रवेश करा के भी पिछले 2-4-8 जन्मों का पता लगा लेते हैं, लेकिन पूरा पता कोई भी नहीं लगा सकता। अच्छा पहले नंबर में आत्मा बनने जा रहे बताया ना, एक है असली ज्ञान सूर्य, कैसा असली ज्ञान सूर्य, और ये क्या है नकली ज्ञान सूर्य है, दोनों ज्ञान सूर्य क्या वो जड़ सूर्य है उसको ज्ञान सूर्य नहीं कहेंगे, लेकिन जो असली ज्ञान सूर्य है उसको कभी ग्रहण नहीं लगता है, और जो नकली ज्ञान सूर्य है उसको आज नहीं तो कल ग्रहण तो जरूर लगता है। ऐसी दुनिया में कोई आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है, गर्भ से जन्म लेने वाली ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसको माया रावण का ग्रहण न लगता हो, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, ऐसा अहंकार कोई भी न करे कि हमने सदा काल के लिए माया को जीत लिया। और बाबा बकरानंगल पर भी पाकिस्तान की भी ऐसा शब्द बोल रहा है ना, बकरानंगल पर पाकिस्तान की नजर है, पाकिस्तान की भी बोला है हाँ? क्लियर नहीं था। माना भाकरानंगल डैम जो है उसने बहुत पानी भरा हुआ है, उसका नाम ये है सागर, कौन सा सागर
गोविंद सागर, हद में गोविंद किसका नाम है, कृष्ण की आत्मा। जितना भी वेदों का ज्ञान है, वेदों का भंडार है, कहां से निकलता है, ब्रह्मा बाबा से, ब्रह्मा के मुख से वेदों का सारा ज्ञान निकलता है। और शास्त्रों में जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है वो चारों वेदों से ही निकला है। तो इसकी यादगार में हिमालय पहाड़ पर ऊंची स्टेज में वो सागर नाम दिया हुआ है, गोविंद सागर। मीलों लंबे दो पैरेलल पहाड़ हैं, एक और दूसरा, और दोनों के बीच में जल भरा हुआ है। भाखरा नंगल डैम बनने से पहले उस जल की निकासी नहीं थी, जब डैम बना दिया तो दोनों पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ को काट दिया थोड़ा सा, और उसमें से सागर का पानी निकलने लगा, उसे नियंत्रित कर दिया। नियंत्रित कर देने से उससे दो फायदे हुए, एक तो ढेर की ढेर नहरें निकल पड़ी ज्ञान जल की, और दूसरे बिजली भी तैयार होने लगी, पानी से भी बिजली तैयार होती है। ऊपर से पानी गिराया जाता है मोटी सी धार, और नीचे मशीन का डायनोमा लगा होता है, पंखे, पंखों के ऊपर एक तरफ पानी गिरता जाता है, मशीन घूमती जाती है, वो डायनोमा से सब तेजी से बिजली तैयार होती है। तो गोविंद सागर से डबल फायदे हैं, उसके ऊपर भारत की भी नजर है सुरक्षा के लिए, कहीं ऐसा न हो कोई विदेशी कोई बम वहां छोड़ दे और डैम टूट जाए, तो सागर का सारा पानी क्या होगा, भारत में आ जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। बाबा ने बोला दिल्ली तो सारी ही टूट जाएगी, वो भर जाएगी पानी से, डूब जाएगी। तो भारत की भी नजर है सुरक्षा की दृष्टि से उस डैम के ऊपर, और पाकिस्तान की भी नजर है कि कब मौका मिले और डैम को तोड़ दे और दिल्ली राजधानी पानी में बह जाए। तो पाकिस्तान की भी नजर है। का नाम क्या है, भा खड़ा, भा माने रोशनी, खड़ा माने खड़ी, वो ज्ञान की रोशनी खड़ी हुई है, स्थिर है। में आपने बोला है निराकार का चित्र लगाना चाहिए, निराकार का चित्र, और उसके नीचे ये बाप भी है, ये टीचर भी है, और ये सद्गुरु भी है, ऐसा लिखना चाहिए। हाँ। बड़े बड़े अक्षरों। तो जो बेसिक वाले हैं वो निराकार का अर्थ बिंदी लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, हम तो निराकार का अर्थ बिंदी नहीं लगाते हैं, बिंदु रूप स्टेज लगाते हैं। जो बिंदु रूप स्टेज है, स
सदाकाल की स्टेज धारण करने वाला है, वो निराकारी स्टेज वाला प्रत्यक्ष हो तो उसके चित्र भी लगाएंगे। हमारे लिए तो प्रत्यक्ष हम लगा सकते हैं, देखना है, कभी अनिश्चय का संकल्प तो नहीं आता है। अगर अनिश्चय का संकल्प आता है तो है और ना है बराबर है। इसलिए जब सदाकाल का निश्चय बुद्धि अपने को अनुभव करने लगे तो चित्र भी लगाने में कोई हर्जा नहीं। खुद अंधे हैं, कभी दिखाई पड़ता है कभी नहीं दिखाई पड़ता है, तो दूसरों को क्या दिखाएंगे। निश्चय बुद्धि होगा तो चित्र लगाने की क्या दरकार है। निश्चय बुद्धि होगा तो अपने लिए नहीं लगाया जाता है, दुनिया को दिखाने के लिए। बाबा ने कहा ये चार चित्रों को सचेतना ऊंचा बनाओ ताकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले। बाबा 2036 पढ़ाई चलेगी तो आंखें बंद करके सो जाओ। क्यों आपके लिए नहीं चलेगी? आपके लिए नहीं चलेगी है 2036 में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, उससे पहले स्वर्ग स्थापन होगा ही नहीं। लो माता जी ने तो घोषणा कर दी 2036 से पहले स्वर्ग स्थापन होने वाला नहीं, तब तक आराम से सो जाओ। है बाबा कहते नई दुनिया सामने खड़ी है और पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। आप तो दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया, 27 साल दूर कर दिए। स्वर्ग का मतलब क्या बताया तो और ठीक हो जाओ अभी आ जाएगा। स्वयं स्थिति में गए सदाकाल के लिए और स्वर्ग आ गए। आज के बुद्धि में बोला है मशीन के अंदर से भी इतना आत्मा सूक्ष्म है कि वो भी मशीन के द्वारा भी दिखती नहीं। हाँ मलेरिया के कीटाणु एक बूंद में ढेर होते हैं, इन आंखों से तो नहीं दिखाई देते। तो डॉक्टर लोग उसे मशीन में लगा करके और खून को फैलाते हैं और ढेर के ढेर कीटाणु दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कोने यंत्रों से भी देखने में नहीं आती, लेकिन है तो, क्योंकि आंखों से रोशनी निकल रही है तो समझ में आता है कि वो, हाँ वो बैटरी रखी तो है। जैसे घड़ी की बैटरी बहुत छोटी होती है, ऐसे ही ये शरीर में रखी हुई आत्मा रूपी बैटरी अति सूक्ष्म है जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। जब वो बैटरी अलग हो जाती है तो आंखें बटन हो जाती है, सबको अनुभव होता है आंखों की रोशनी चली गई। तो वो अनुभव की चीज तो है, बाकी आंखों से नहीं देखी जा सकती। दुनिया वाले को मानते भी नहीं है आत्मा क्या है, दुनिया वाले को समझाया जाए। हाँ तो उनसे पूछा जाए कि आंखों की रोशनी कहाँ चली जाती है, आत्मा में सूक्ष्म है ऐसी रहती है क्या, तो क्या चीज है जो आंखों की रोशनी गई। आंखें बटन जैसी होती है, आंखें बटन जैसी हो गई माने आंखें अंधी हो गई ना, उन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता ना, तो कुछ तो निकल गया, जो निकल गया वो आत्मा मानेंगे कैसे नहीं। और हाँ अगर स्वामी में बाबा कहते हैं बच्चों को यात्रा और नमस्ते, इस पर लिखे वाले कहते हैं बाप दादा कहाँ कहते हैं नमस्ते, झूठ ही झूठ बोल देते।
अव्यक्त वाणी में कहीं भी बाप दादा नमस्ते नहीं कहते हैं। बाप दादा जिनको कहा जाता है वो देह ग्रहण करने, देह धारण करने वाली आत्माएं हैं या नहीं है? आगे पीछे कभी भी देह धारण करती हैं या नहीं करती हैं? करती हैं। तो जो देह धारण करने वाली हैं वो देह अभिमानी भी हैं या सदैव आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी भी। जिनको देह अभिमान होगा वो अपना मान सम्मान चाहेगा या नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो रामकृष्ण की आत्माएं भी देह धारण करने वाली आत्माएं हैं। संगम युग में थोड़े समय के लिए देह से परे हो जाती है, विदेही बन जाती है। सदाकाल के लिए तो नहीं। तो इसलिए अभी जब तक उनका संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं होता है, जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है, तब तक मान मर्तबा चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो अपना माथा दूसरों के सामने नहीं झुका सकते। नमस्ते का मतलब ही है नमन आपको, आपको मैं माथा झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। नमन करना माने झुकना। तो बाप दादा हमारे सामने माथा झुकाएं या हम बाप दादा के सामने माथा झुकाएं? बाप दादा के सामने माथा झुकाएं। इसलिए बाप दादा अव्यक्त वाणी में कभी भी नमस्ते नहीं कहते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते कहते। हाँ पूछ, क्या कुछ पूछ रहे थे? नहीं, उनसे पूछो फिर नमस्ते क्यों करते हैं रूहानी बाप? बाप दादा नमस्ते क्यों नहीं करते? प्रश्न करो उनसे। बाप दादा कभी नमस्ते क्यों नहीं करते? रूहानी बाप नमस्ते क्यों करते हैं? बाप दादा दो शब्द हैं या एक शब्द है? दो शब्द है। शिव शंकर दो शब्द हैं या एक शब्द है? दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं, दो आत्माएं हैं। ऐसे ही बाप दादा दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं, दो आत्माएं हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक होकर रहते हैं और एक होकर संगम में दिखा देंगे। इसकी यादगार दुनिया में चलती है एंड संस कंपनी। किसकी किसकी कंपनी? बाप और बेटे की कंपनी। कंपनी एक है तो कंपेनियन भी एक होना चाहिए कि नहीं? तो कौन है कंपेनियन? तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। और अमृत वेले का एक प्रश्न है, 1 बजे से 4:45 बजे तक कंटिन्यू 2 डेज अमृत वेला होता है। 1 बजे? 1 बजे से तो बोला नहीं। 1 बजे की बात। एक है देवात्माओं का समय, एक है मनुष्यों का समय और एक है राक्षसों का समय। आज की दुनिया में क्लबों में रात रात भर जागते हैं कि नहीं? 5-star होटलों में रात रात भर डांस चलते हैं। तामसी दुनिया के असुर हैं, निशाचर हैं या दिवाकर हैं? है? निशाचर हैं ना, असुर हैं ना, तो उनका टाइम अलग। तो निशाचरों का टाइम कौन सा है प्रैक्टिकल में बाहर की दुनिया में? क्या 12 बजे के बाद नहीं है?
एक बजे तक भी जागते हुए देखे जाते हैं। हाँ, दो बजे तक भी, वो है भूत प्रेतों का टाइम। इविल सोल हैं वो सब, राक्षसी आत्माएं, उनका टाइम भी निश्चित है। उसके बाद फिर संगम शुरू होता है। क्या? जब सूर्य ऊपर आना शुरू होता है तो सूर्य जब ऊपर आता है तो तुरंत नई दुनिया कहेंगे या टाइम लगेगा? है कृष्ण का जन्म बाबा ने कितने बजे बताया है? 12 बजे तो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, वास्तव में हाँ 2 बजे भी नहीं, 4 बजे। क्या? 4 बजे माना 2036 के बाद जब कृष्ण जन्म होगा तो 4 बजे का टाइम हुआ, और उससे पहले 2 घंटे 2 से 4 तक वो संगम युग है, स्वर्णिम अमृत वेला है, स्वर्णिम स्वर्ग है, और 2:45 से पहले सारा का सारा वो राक्षसी आत्माओं का टाइम। हाँ, कोई तीव्र पुरुषार्थी है जो दृढ़ संकल्प कर ले कि हम तो आज पूरा ही अमृत वेला सुहाला करेंगे, सोएंगे ही नहीं, झुटका मारेंगे ही नहीं, है कभी कभी झुटका आ रहे तो फिर विदेशी हो गए। अगर सो गए तो कंटिन्यू अमृत वेला अच्छा बन जाए। हैं? हाँ, 2 बजे से हम अभी तो 1 बजे की बात कर रहे थे। नहीं, आप पैंतरा क्यों बदल रहे? 2 बजे आप बोले ना सही, हम तो बोले का हम बोले सही, तब बोले सही। हाँ, अच्छा अच्छा चलो। हाँ ठीक है, तो झुटके क्यों खाते हैं? झुटके क्यों खाते हैं? पूर्व जन्म का हिसाब किताब है तो झुटके खाते हैं। फिर सो देते, फिर वोट लेते हैं। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर विदेशियों के संग का चक्कर है। विदेशियों को जो ताज दिखाया है वो मुर्गे का जो कलंगी होती है ना, वो ताज दिखाते हैं, ऑटोमेटिक वो वही ताज पहन रहे हैं। वो मुर्गे की यादगार उनको दिखाई हुई है, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने वो ताज धारण किया है। उसका क्या मतलब है कि वो जग तो जाते हैं जल्दी, लेकिन फिर जैसे मुर्गा सो जाता है बांग लगा के, वो भी सो जाते हैं। इसको कैसे मालूम किया जाए? इसको कैसे मालूम किया जाए? बाबा ने तो बता दिया है, ड्रॉपर रखो उसमें सरसों का तेल रखो। क्या? आधा बूंद लिया और आंख में लगा दिया, आने दो, नींद तो नहीं आएगी। आधा घंटा पौना घंटा के लिए नींद से छुटकारा हो जाएगा, फिर दोबारा नींद आना शुरू हुई, फिर दूसरी आंख में लगा दो आधा बूंद। प्योर सरसों का तेल चाहिए, अब फिर आधा पौना घंटा के लिए उड़ गई, तब तक ये आँख तालिम हो जाएगी। है आधा पौना घंटा बाद फिर एक झटका आया और तुरंत फटाक से लगाया, अगर अलबेलापन आया तो पूरी नींद हो जाएगी। अब बाबा ने तो तरीका बताया है, तो करो है, करो या न करो। सरसों का तेल
तादाद से ज्यादा न लगाया जाए तो फायदा करेगा या नुकसान करेगा? एंटीसेप्टिक होता है या सेप्टिक होता है? एंटीसेप्टिक है, नुकसान तो नहीं होगा आधा बूंद लगाने से। बोलो, किसी ने पूछा है संगम युग के आदि काल में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कारों का अर्थ समझाने वाली दोनों माताओं में से कौन सी थी? ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन है? बड़ी बहन ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन, बड़ी बहन थी वहां है? अथवा दूसरी माता? कौन थी? अरे किसी को पता ही नहीं है? संगम में बड़ी माँ वैष्णवी देवी है, संगम में बड़ी माँ वैष्णवी देवी और छोटी माँ जगदम्बा। संगम युग में बड़ी माँ वैष्णवी देवी, संगम युग में बड़ी माँ वैष्णवी देवी यज्ञ के आदि में बड़ी माँ थी जगदम्बा। हाँ, यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, एक माता बोल बोल करने वाली ज्यादा थी। हाँ, दूसरी माता बोल बोल करने वाली नहीं थी ज्यादा। क्या देशी और विदेशी की खास पहचान क्या बताइए? हैं, देशी की पहचान बताइए बाबा ने और विदेशी की पहचान बताइए। फॉरेनर की और इंडियंस की पहचान बताई कि नहीं? कुछ फॉरेनर की पहचान है फॉरन और देसी की पहचान है फॉरन। नहीं, थोड़ा धीरज धर बनवा, धीरज धर, फॉरन नहीं करेंगे, थोड़ा सोचेंगे विचारेंगे, सरेंडर भी होंगे तो भी भारतवासियों का समर्पित होने में हृदय विदीर्ण होता है। वो सोच विचार करेंगे अच्छी तरह से। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, गुरु की जय, जान के अच्छी तरह जान के पहचान के सोच के समझ के तब गुरु करना चाहिए। और पानी पीजे पानी, और बड़ी जोर से बोला। तो ये देशी विदेशी की पहचान है, तो दोनों माताओं में से कौन विदेशी का पार्ट बजाती है और कौन स्वदेशी भारत माता का पार्ट बजाती है? अरे हाँ, वो स्वदेशी का पार्ट। हाँ, और हाँ, जो ज्यादा बोल बोल करने वाली है, मुंह से बोल बोल ज्यादा करना, प्रैक्टिकल जीवन में धारणा उतनी नहीं होना, तो उसको कहते हैं विदेशी। तो भारत माता है उसका ये स्वभाव नहीं है। भले लास्ट में आवे लेकिन अच्छी तरह सोच समझ के ठोंक बजा के आवे, और आवे तो फिर पीछे कदम नहीं हटावे। ये भारत माताओं की, भारत कन्याओं की खास पहचान है। नहीं आना है तो नहीं आना है तब तक, और जब आना है तो पीछे कदम हटाना नहीं है।
ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। ब्रह्मा व शिव बाबा इन दोनों की औलाद की मत भी मशहूर होनी चाहिए, होनी चाहिए हैं? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की जो औलाद हैं उनकी मत भी श्रीमत है, श्रीमत एक की या अनेक की? श्रीमत एक की होनी चाहिए। हाँ, माँ बाप दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं, कभी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो जब एक हो जाएं तो माँ की मत मिले तो भी बात वही, और बाप की मत मिले तो भी बात वही। तो इसलिए बोला बाबा की मत भी मशहूर है शिव बाबा की, और ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, दोनों में से पहले कौन? शिव बाबा, बाद में फिर ब्रह्मा बाबा। बड़ा बाबा कौन है? शिव बाबा। और छोटा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। लेकिन दोनों की स्वभाव संस्कार मत भी एक हो, धारणा भी एक हो, और राजाई करने के संस्कार भी एक हो, कुल भी एक हो, ऐसे नहीं एक चंद्रमा की बढ़ाई करे और एक सूर्य की बढ़ाई करे, नहीं, एक ही गान गायन करने वाले हों दोनों। तो जब ऐसा देखने में आए, समझने में, सुनने में, प्रैक्टिकल अनुभव करने में आए, तो ब्रह्मा की मत भी कैसी हो जाएगी? मशहूर हो जाएगी। फिर बोला तो फिर ब्रह्मा की औलाद और शिव की औलाद इन दोनों की भी मत मशहूर होनी चाहिए, ये तो गलत बात कह दी। फिर तो श्रीमत 500 करोड़ की हो जाएगी या श्रेष्ठ की रह जाएगी? फिर तो 500 करोड़ श्रेष्ठ हो गई, फिर तो श्रीमत का कोई मतलब ही नहीं। जैसे दी के वालों में कह देते हैं दादी की मत है, दीदी की मत है, दादा की मत है, दादा की श्रीमत, दादी की श्रीमत, भाई की श्रीमत, तो ये तो रंग बात होगी। तो ब्रह्मा और शिव बाबा की औलाद कौन है? अरे शिव बाबा की औलाद रुद्रमाला, और ब्रह्मा की औलाद विजयमाला। बाबा ने मुरली में बोला है कि कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती है, कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती नहीं है, लेकिन अगर आमादा हो जाएं, अपनी पर अड़ जाएं, तो उनकी प्योरिटी को कोई भंग नहीं कर सकता। अब पुरुष ऐसा नहीं कर सकते, और ये भी बोला है कि कन्या माताओं में देवान ज्यादा होता है, देवान ज्यादा होता है, वो ठीक बात, लेकिन अगर आमादा हो जाए तो उनकी प्योरिटी को कोई भंग नहीं कर सकता। आमादा माने पक्का कर दें क्या कि अब हमें तो ऐसा ही करना है, शिव की शक्ति बनना है, क्या
अब हमें किसी के कंट्रोल में चलना ही नहीं है, तो मरते मरते मर जाएंगे ही, लेकिन उनको कोई अपने कंट्रोल में चला नहीं सकता। तो बाबा ये दोनों बातें कैसे होंगी, देवान भी हो और प्योरिटी भी हो, क्योंकि प्योरिटी वालों में देवान तो कम होता है। माना जब तक आमादा नहीं हुए हैं तब तक देवान रह सकता है, प्योरिटी के ऊपर कोई आघात कर सकता है, अगर दृढ़ता नहीं आई तो, और दृढ़ता आ जाए तो फिर देवान देवान की परवाह करेंगी नहीं। किसी घर में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहते हैं उसके परिवार में सूतक लग गया, उसका अर्थ क्या है, है? ब्राह्मणों की दुनिया में शरीर छोड़ना माना क्या है, देवान छोड़ना, देवान छूट गया, देवान से मर गए आप, हुए मर गई दुनिया। तो दुनिया वालों से जब मर जाते हैं, जो टोटली भगवान के बन जाते हैं, तो दुनिया वाले उनका अपोजिशन करते हैं या सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन करते हैं। तो थोड़ा टाइम अपोजिशन चालू रहेगा या नहीं चल रहेगा, है चालू रहेगा। अगर दृढ़ता से मुकाबला किया, जो मरने वाला है शरीर छोड़ने वाला है, दृढ़ता से मुकाबला किया तो दुनिया वाले समझ जाएंगे ये अब नहीं मानने वाला, इसका पीछा छोड़ो। और अगर दृढ़ता नहीं है तो लंबा लंबा तंग करते रहेंगे। तो वो हिंदुओं में यादगार दिखाई गई है, ओम। वो जब सरेंडर करेगी तो वहाँ से एक ग्रुप कम हो जाएगी ना, 12 की बात वहाँ रहेगी ना, विजय माला चंद्रवंशी की प्रवृत्ति चंद्रवंशी से बनेगी ना, नीचे वाली नीचे वाली कटोरी से प्रवृत्ति बनती है। विजय माला का जो 108 का ग्रुप बनेगा उसमें तो स्टार्टिंग होती चंद्रवंशी से स्टार्ट होती है, चंद्रवंशी से स्टार्टिंग होती है, एक ग्रुप आप बनते ग्रुप तो वहाँ विजय माला में नहीं होगा ना, क्यों अरे वहाँ के 24 मणके जो हैं वो 24 मणके सारे ही चंद्रवंशी होंगे, उनमें 12 होंगे ब्रह्मा जैसे। हाँ जी हाँ, पुरुष प्रवृत्ति के होंगे लेकिन फिर भी चंद्रवंशी होंगे, आधीनता के संस्कार वाले होंगे। ब्रह्मा जैसी आत्मा तो शरीर छोड़ रही है, तो उनके फॉलोअर्स भी शरीर छोड़ेंगे ना, शरीर छोड़ने के बावजूद भी
वो आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है और उसकी सहयोगिनी शक्ति भी प्रवेश करके पाठ बजा रही है। वो तो शक्ति को व्यक्ति खुद कर बताऊंगे ना, ब्रह्मा शक्ति जैसी जो भी आत्माएं हैं वो तो अपने माँ पिता से पैदा होंगे वो। ठीक है, तो माँ पिता जी जो प्रवेश करने करेगी ना, जो आत्माएं प्रवेश करने वाली हैं वो प्रवेश करने वाली अभी बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और वहाँ स्थूल पेट से पैदा होंगी, ये अंतर है। माँ पिता का भी चक्कू आपका स्वरूप बनेगा ना, है माँ पिता जो उनके होंगे जो कि 4.5 लाख आत्माएं हैं, तो आठ का ग्रुप हो या माँ का ग्रुप हो उनसे से प्रवृत्ति होगी ना। हाँ प्रवृत्ति में जब आवा फिर एक ग्रुप कम हो रहा है जयमाला के अंदर। तभी तो बताया चार युगल मण के हैं और बीच में है बाप, तो नवरत्नों की माला बनती है। माने चार युगल हो गए, एक रुद्रमाला का, एक चंद्रवंश का, एक सूर्यवंश का, एक चंद्रवंश का, ऐसे चार मिलकर के चार युगल हुए। बीच में है बाप, वो मुखिया हुए और धर्म जो है वो सहयोगी धर्म है। देवता इस्लामी बौद्ध और क्रिश्चियन उसमें से देवता धर्म उसकी युति हुई चंद्रवंश से, उसके बाद इस्लामी उसकी युति होगी जिसके साथ, वो है तो चंद्रवंशी लेकिन उसमें 63 जन्मों का जो संघ का रंग है वो चंद्रवंशियों का उतना नहीं है जितना इस्लामियों का है, इसलिए अंतर पड़ जाता है नंबर में। और कृष्ण के माता पिता का नाम बाला नहीं होता है, वो कृष्ण संगम युगी है या सतयुगी है? है हाँ, जो संगम युगी कृष्ण है उसको जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले माता पिता हैं वो इस्लाम धर्म के बीज हैं, वो उतनी पवित्रता धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो माँ बाप अपने बच्चों को दक्षिण भारत में जाकर के प्रत्यक्ष करते हैं, दक्षिण भारत में उनकी सेवा चलती है और वो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, उनकी उतनी महिमा नहीं होती है। विदेशियों की ज्यादा महिमा होगी, विदेशियों में ज्यादा प्योरिटी होती है या कृष्ण में ज्यादा प्योरिटी होती है? विदेशियों में, हाँ विदेशियों में प्योरिटी न होने के कारण उनकी ज्यादा महिमा नहीं हो सकती, बल बाप को पहचान लेते हैं। सतयुग के कृष्ण के माता पिता उनकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, है? है? और जब हम भगवान बाबा ज्ञान के दिवस जाते हैं बिना हम लिपट है या बिना कुछ करें उसमें बहुत मन में शामिल रहते हैं तो उसका बड़ा कम्फर्ट लगता है। मत होने दो, जो पाप बनता है वो जानबूझ के जो पाप किया जाता है वो पाप कहा जाता है, या अनजाने में जो पाप हो गया वो पाप कहा जाता है? है? जो जानबूझ के जानबूझ करके फिर पाप करते हैं वो दिल में खटकता रहता है, जो बार बार खटकता है याद आता है वो पोता मेल बन जाता है, वो पोता मेल बाप को लिख करके देना चाहिए
वो पाप है जिसकी स्मृति ही नहीं, वो पाप नहीं, पाप की लिस्ट में नहीं आता। और अरे किसी और को भी बोलने दो। हाँ बाबा, धर्मराज अलग और ये अपराध अलग है। जो यम नियम का पालन करने वाला है, यम नियम कानून को जानने वाला है, वो ही यमराज है, वो ही धर्मराज है। जो जानता ही नहीं वो धारणा कैसे करेगा? जो जानकार है वो ही धारण करता है। तो ब्रह्मा बाबा धारण करने वाला भी है, इसलिए धर्मराज है। जानकार होने के बाद यम नियम का पूरा पालन करने वाला है, धारणा शक्ति हीरोइन में ज्यादा होगी या हीरो में ज्यादा होगी? हीरोइन में ज्यादा। तो कृष्ण की आत्मा उर्फ ब्रह्मा की आत्मा धारणा शक्ति वाली है, और धारण तब ही करेगी पूरा जब जानकार बनेगी, या जानकार होने से पहले ही धारण कर लेगी? है जानकार होना चाहिए। तो ब्रह्मा की सोल अभी प्रवेश कर रही है, अभी पूरी जानकार नहीं है। जानकार हो जाएगी तो गुलजार दादी में प्रवेश नहीं करेगी, फिर किसमें प्रवेश करेगी? एक का ही संग करेगी, औरों का संग नहीं करेगी। इसलिए वो धारणा शक्ति में सबसे आगे जाएगी। इसलिए सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा को ज्यादा पसंद करते हैं या राम को ज्यादा पसंद करते हैं? है? ब्रह्मा को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? दिल वाले बच्चे ज्यादा प्रिय हैं या दिमाग वाले ज्यादा प्रिय हैं? है? दिल वाले बच्चे ज्यादा प्रिय हैं। राम वाली आत्मा दिमाग वाली है या दिल वाली है? है? दिमाग वाली है। वो बाप को दिमाग वाले पसंद नहीं है उतने जितने दिल वाले पसंद। रामराज आईना तो पसंद नहीं होता, रामराज वो नियम बना हुआ है कि शिव बाप के जो बच्चे हैं वो ही राजा बनेंगे। क्या पसंद होंगे तब? विष्णु के जो बच्चे हैं वो राजा नहीं बनेंगे। शिव बाप के बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है, कोई क्या कर सकता है? शिव बाप भी कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बाप सर्वशक्तिवान है फिर भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है? बोलने वाला विष्णु थोड़े ही है। विष्णु के लिए बोला ही नहीं है। जो बोलने वाला है कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है गोप, तो शंकर हो या कोई भी गोप हो वो क्या हो गए? है लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से गंदा काम किया जाता है और राइट हैंड से अच्छा काम किया जाता है। तो ब्रह्मा है मेरा राइट हैंड,
वो ही धर्मराज बनता है, क्योंकि धारणा शक्ति में सबसे आगे है। उसने धारणा का जो मुख्य गुण है सहनशीलता, वो सबसे जास्ती धारण की है प्रैक्टिकल जीवन में। जिसने बच्चों का सबसे जास्ती सहन किया और बच्चों ने सहन कराया उसे, तो वो हिसाब किताब का पूरा होगा सतयुग में, संगम युग में ही वो धारणा करने वाली धर्मराज की आत्मा एक एक की सौ सौ गिनाएगी। और ये नियम बच्चों के लिए भी लागू होता है, जो यहाँ सहन करेंगे वो वहां सहन कराने के निमित्त बनेंगे। इसलिए सहन करना अच्छा है, किसी को सहन कराना अच्छी बात नहीं है। कहने वाला कौन है तुम्हें मुरली में पता नहीं चलता? अरे फिर क्यों पूछे? प्रैक्टिकल में पार्ट लेने वाली आत्मा किसके थ्रू बता रहे हैं? विष्णु के लिए बता रहे। माने शिव बाप प्रैक्टिकल में पार्ट नहीं बजाता? अरे जब गा 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 तो होता रहेगा गा। अभी क्या है, अभी बोलने वाला कौन बोल रहा है? शिव बाप बोल रहे। तो शिव बाप की आत्मा अलग है, जिसमें प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा अलग है। तो कौन कहता है मेरा राइट हैंड है धर्मराज? शरीरधारी आत्मा कहती है या शिव सुप्रीम सोल कहता है? शिव सुप्रीम सोल कहता है। और नियम नियम कौन कौन से जो माने जो मुरली में बताए वो सब नियम, नियम कानून मनुष्यों के अलग और भगवान के नियम कानून अलग। अजी नाक पकड़ के उनसे पूछो, कान पकड़ के, तुम्हें याद क्यों नहीं आते? वो तो बता दिया 20 बार मुरली में बता दिया, आप ध्यान ही नहीं देते। बता दिया 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूम रही है, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो रील भी घूम रही है और जो बुरे कर्म किए हैं वो रील भी घूम रही है। जब अच्छे कर्मों की रील उदय होती है तो ऑटोमेटिक आपको ज्यादा याद आती है, अच्छा पुरुषार्थ होता है, और जब खराब कर्मों की रील उदय होती है तो आप कितना भी चाहें फिर भी याद अच्छी नहीं आती। और गंगा को अगर व्यक्ति बीच में रखे, गंगा का जो स्थान जो है वो शिवों के बीच में रखा गया है, तो बीच में आप देवों के बीच में। हाँ, आप देवों ने इतनी मेहनत नहीं की होगी, इतनी सेवा नहीं की होगी जितनी गंगा ने की। क्यों नहीं की? जब आपके देव सारी दुनिया के पूर्वज हैं तो उनको तो जास्ती सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो आपके देव हैं या देवी हैं? जो देव होते हैं वो देवियों के मुकाबले प्योरिटी की स्थापना जनमानस में ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? है कम करें? अरे उन आस्थ में से जो पहला है वो ही सेवा के फील्ड में गंगा के मुकाबले उतना नहीं प्राप्ति करता कराता।
उसको भी आवाहन करना पड़ता है। किसका? विजय माला का। तो और दूसरे तो किस लिस्ट में है? गंगा, संन्यास कुल की है, या सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की है? जिससे काम लेना होता है उसको सर माथे पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? है? रखना चाहिए। बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय होगी। अष्टदेव सन्यासियों की लिस्ट में नहीं है। अष्टदेव तो असम सूर्यवंशी हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं। गंगा तो सन्यासियों की भी अम्मा है, उसके किनारे सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते हैं। वो गंगा जब निकलती है तब उत्तर भारत के लोग जागते हैं। उत्तर भारत है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला रूप, और दक्षिण भारत है विदेश का रूप। नई दुनिया जब बनी थी तो समंदर के आसपास के प्रदेश समंदर में डूब गए थे। वहां समंदर नजदीक है, इसीलिए दक्षिण भारत भारत का विदेश बताया है। वहां गंगा का प्रचार प्रसार उतना नहीं होता जितना उत्तर भारत में होता है। इसलिए जो बच्चा जास्ती बाप की दुकान चलाने में होशियार निकलता है उसको बाप अपने सर माथे पर चढ़ा लेते हैं। आठ को भी सर माथे पर चढ़ाया हुआ है, लेकिन सेवा के फील्ड में गंगा उन आठ से भी आगे निकल जाती है। याद के क्षेत्र में भलन निकले, ज्ञान के क्षेत्र में भला अष्टदेव आगे होंगे, लेकिन सेवा के फील्ड में गंगा आगे जाती है। अर्जुन ने एक साल अध्ययन वर्ग में बिताया था, वो एक साल में उन्होंने सीताराम को ज्ञान सिखाया था। अर्जुन ने एक साल अध्ययन वर्ग में बिताया था, वो एक साल उन्होंने सीताराम को ज्ञान सिखाया था। अर्जुन का मतलब है अध्ययन करने वाला। सीताराम को क्या वो स्कूल ज्ञान सिखाया था, या इसका ब्याज का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में जितना भी डांस वांस दिखाया है वो ज्ञान डांस की बात है या कमर मटका हुआ की बात है? आपको क्या याद आता है? आपको ज्यादा कौन सा याद आता है? अरे ये तो बेसिक नॉलेज की पुरानी पुरानी बातें हो गई, उन्होंने बातों को बार बार उठा रहे नहीं। बाबा माया ने प्रकृति के हाथ मिलाया है, माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाया है। माया ने नहीं मिलाया है, माया के जो पांच रूप है वो पांचों रूप उंगली है ना पांच, ये पांचों ने प्रकृति के साथ हाथ मिला लिया। क्या माया जी प्रकृति माता में प्रवेश करके पाठ बता लगी? हाँ, माया तो सब में प्रवेश कर जाती है,
प्रवेश नहीं करते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच विकार सबको सबों प्रधान नहीं बनाते, बनाते और बाबा गंगा बेसिक से निकलेगी। एडवांस में जितने निकले वो सब बेसिक से निकले हैं या कहीं ऊपर से टपके हैं? आप कहाँ से निकले फिर क्यों पूछ रहे डायरेक्ट? ये जितने बैठे हैं वो सब अपने को डायरेक्ट समझते हैं, डायरेक्ट बाप से सीखने वाले हैं या ब्रह्मा बाबा के थ्रू सीखने वाले हैं? जब एडवांस में है तो डायरेक्ट है, गंगा भी जब एडवांस में है तो डायरेक्ट है, एडवांस में नहीं है तो बेसिक में। माला में मेरू को बताया कि मुख्य है, माला में मेरू का नाम बताया कि मुख्य है मेरू। हाँ, माला में विजय माला में जो मेरू दिखाया जाता है वो 109वां मणका नहीं है, मणके तो 108 ही है, लेकिन जो मेरू दिखाया गया है ऊपर वो यादगार है कि विजय माला के 108 मणके सारे के सारे प्रवृत्ति मार्ग वाले युगल मणके हैं, कोई भी सिंगल नहीं है, सभी मणकों को विष्णु के समान संस्कार वाला बन जाना है, इतने समान संस्कार वाला बनना है युगल मणकों को कि किस जन्म तक लगातार साथी बन करके रहेंगे, साथ में जन्म लेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मेरू पर्वत का नाम है, ऊंची स्टेज वाला है, जो युगल मणके बनते हैं वो भी ऊंची स्टेज वाले हैं, जो निवृत्ति मार्ग के सिंगल हैं वो उतनी ऊंची स्टेज नहीं धारण करते, इसलिए उनको मेरू नहीं कहेंगे। विजय माला के मणके सभी मेरू हैं, पहाड़ की तरह ऊंची स्टेज वाले। समुद्र मंथन आज मेरू को मंथन नहीं मनाया जा रहा है, समुद्र मंथन आज मेरू पर्वत को मंथन नहीं मनाया जा रहा है। जिस पर्वत को मथानी बनाया गया वो मंदराचल पर्वत था, क्या नाम दिया? मंदरहा। बुद्धि कैसी रही? मंद बुद्धि रही है। पहाड़ बड़े से बड़ा पहाड़ कौन सा है? है हिमालय, हिमालय पहाड़ ऐसा है जहाँ बर्फ जाम रहती है, अर्थात पानी में गर्मी नहीं आती, ज्ञान जल जाम रहता है, ज्ञान जल जाम होकर के रहे वो अच्छा या ज्ञान जल बहता रहे वो अच्छा? बहता रहे तो अच्छा, जगत का कल्याण होगा। तो हिमालय पहाड़ माने हिमालय राजा, जिसका बर्तन में घर है, अर्थात वो ऐसी आत्मा है जो बर्फीली
तेज में रहता है, ज्ञान बहता नहीं है, मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है, उसको कहते हैं हिमालय राज। उसकी पुत्री का नाम क्या दिया है? है पार्वती। तो उसे मंदराचल पर्वत भी नाम दे दिया है। मंदराहा अचल मने पहाड़। बाबा एक घंटा पूरा हुआ। सीढ़ी के बीच में जो द्वापर युग है उसमें जो सीढ़ी कटी हुई दिखाई गई है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ सीढ़ी में पढ़ना सुनना। अच्छा सीढ़ी सुना करो रोज। क्या करते रहते? डबली पढ़ाई पढ़ते या गॉडली पढ़ाई पढ़ते? क्या करते रहते? डबली पढ़ाई करते रहते। अरे राम 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 है, इसलिए बार बार वो ही प्रश्न पूछते। ओ